चैनल गाइस, आज एक और नई वीडियो जिम्नी की बात करूँ मैं, जिम्नी की या कोई और गाड़ी की, ये सारी गाड़ियों पे एप्लीकेबल होती है क्योंकि ये चीज़ ना आज के आने वाले टाइम में गाड़ियों में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है। जब आप अपनी गाड़ी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो उस केस में आपको उसका केयर भी करनी पड़ती है, और केयर करने के टाइम पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो गाड़ी के अंदर लगा लेने चाहिए टाइम के साथ रहते, क्योंकि अगर आप बाद में उसे यूज़ करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपके पेंट को डैमेज कर देगी चीज़। पेंट एक बार डैमेज हो गया, ओरिजिनल दोबारा वो पेंट कभी भी नहीं हो सकता गाड़ी के ऊपर। तो आज उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, क्या वो चीज़ है जिससे आप अपने डोर हैंडल्स के नीचे और आसपास के पेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी अनवांटेड स्क्रैच से, या फिर अगर किसी के भी नेल्स ज़्यादा बड़े हैं उसकी वजह से जो पेंट चिपिंग हो जाती है पेंट के ऊपर डोर हैंडल्स के आसपास, उसको आप हटा सकते हैं और बचा सकते हैं बेसिकली अगर मैं बोलूँ, सिर्फ एक वो प्रोडक्ट लगाने की वजह से। और मात्र वो 250 से 300 रुपये का प्रोडक्ट आता है मार्केट के अंदर, अगर आप ऑफलाइन मार्केट में भी सर्च करेंगे, और काफ़ी अच्छे रीजनेबल रेटों पे आपकी गाड़ी के अंदर ये आपकी गाड़ी को सेव कर लेता है। आज मैं बताने वाला हूँ उस प्रोडक्ट को लगाते कैसे हैं, क्या उसकी मेरे को कॉस्टिंग बढ़ी, कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, साथ ही साथ उसको लगाएंगे कैसे, क्या क्या ध्यान रखने चाहिए कि कैसे वो लगाया जा सकता है, और क्या ध्यान रखना चाहिए लगाने के बाद भी और लगाने के समय भी। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे वो प्रोडक्ट लगता है। तो बात करते हैं, आज हमारे पास ये तीन चीज़ें रखी हैं बोनट के ऊपर। एक हमारे पास है माइक्रोफाइबर क्लोथ, आप कोई भी क्लोथ दे सकते हैं, बट मैं माइक्रोफाइबर क्लोथ यूज़ करता हूँ बेसिकली, गाड़ी के लिए अच्छा रहता है, पेंट के लिए भी, और कुछ भी अगर आपको गाड़ी साफ़ करनी है तो माइक्रोफाइबर क्लोथ ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन रहता है साफ़ करने के लिए अंदर गाड़ी के। एक आप कोई भी ग्लास क्लीनर ले सकते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड ब्रांड का, ये मैंने इसलिए ले लिया है, आप इसकी जगह सैनिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, बट सैनिटाइज़र एक चीज़ आपको ज़रूर से करेगा कि आपकी गाड़ी के पेंट को हार्म पहुँचा सकता है, तो बेटर है एक आइसोलेशन वाला, या फिर आप शैम्पू ले लो गाड़ी का, या फिर आप ग्लास क्लीनर ले लो, काम चल जाएगा दोनों से ही। तो वो चीज़ है, आपको इसके लिए ज़रूर से ग्लास क्लीनर या फिर कोई क्लीनिंग सब्सटेंस ज़रूर से चाहिए गाड़ी के अंदर, गाड़ी के डोर हैंडल्स की जगह को साफ़ करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर हम प्रॉपर एक, अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ लगाने वाले हैं। अलग अलग ब्रांड्स का आता है ये, कोई कोई ब्रांड आएगा, कोई कोई ब्रांड आएगा, काम अच्छा करना चाहिए बेसिकली अगर मैं वो बात करूँ तो। अगर मैं इसका बॉक्स आपको खोल के दिखाऊँ ना, तो बॉक्स खोलने के बाद हमें कुछ इसके अंदर ये चीज़ मिल जाती है, ज़्यादातर लोगों ने ऑनलाइन देखा भी होगा अमेज़ॉन के अंदर, तो यस ये काफ़ी ट्रेंड में भी है, और ये मुझे लगता है एक वैल्यू फॉर मनी चीज़ है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ ना, ये चार पीस में आता है और ऐसा कुछ आपको ये दिख जाता है, इसके ऊपर एक अभी सेफ्टी लेयर चढ़ी हुई है जिसको मैं हटाऊँगा, उसके बाद ये निकल जाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, बेसिकली ये चीज़ करती है आपके डोर हैंडल्स की जो ग्रिपिंग है उसको सेफ करती है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ एक बार उठाकर, यहाँ अगर आप देख रहे होंगे ना, तो इस जगह को ये यहाँ पे लग जाएगी, और जब भी कोई हाथ डाल के अगर गेट खोलता है ना, तो टाइम के साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आ जाते हैं। ज़्यादातर अगर आप देख रहे होंगे, जिसकी गाड़ी को 10 साल, 5 साल, 6 साल भी हो गए ना, उनकी गाड़ी के अंदर भी यहाँ पे स्क्रैचेस दिखने लग जाते हैं, सोलो मार्क्स कह लो, स्क्रैचेस कह लो, किसी किसी गाड़ी में तो पेंट तक उतर जाता है, नीचे प्राइमर दिखने लग जाता है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे ध्यान रखना चाहता था कि मेरी गाड़ी में वो दिक्कत एज सच यहाँ पे ना दिखे, टाइम के साथ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, और साथ ही साथ मेरा कलर काइनेटिक येलो था, तो मैं बिल्कुल ही नहीं चाहता था कि मेरे इस कलर पे कोई ज़्यादा स्क्रैचेस दिखें। तो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट मेरे को ये लगा कि यार मैंने इसको ख़रीदा, मैंने ऑफलाइन मार्केट से ख़रीदा 250 रुपये का, अमेज़ॉन पे भी मिल रहा है 250-300 रुपये का, वो आपकी मर्ज़ी है। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसके ऊपर डिज़ाइन जो बना हुआ है वो इसको ट्रांसलूसेंट बना देता है, तो कल को ये पीला नहीं पड़ेगा। तो मेरा एक अगर आप बात माने तो आप वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट बेसिकली मत लें, क्योंकि ट्रांसपेरेंट अगर आप लेंगे तो टाइम के साथ यहाँ पे पीलापन छोड़ेगा, और फिर एंड ऑफ द डे क्या होगा कि वो चीज़ आपको हटानी पड़ेगी। मैंने ये कलर इसलिए चूज़ किया कि ये मेरी गाड़ी के साथ ज़्यादा डिसमैच भी नहीं हो रहा, मैं इसके पहले कार्बन फाइबर वाला ले रहा था, बट मुझे लग रहा था कि वो अलग दिखेगा, तो इसलिए मैंने वो नहीं लेके यहाँ से मैंने अपना ये वाला ले लिया, कि ताकि ये दिखे भी कम और साथ ही साथ पीला पड़ने के बाद भी मेरे को हटाना ना पड़े, क्योंकि मैं एक ही बार इसे लगाऊंगा। थोड़ा सा मेरे को यहाँ कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा जो डोर हैंडल है ना वो यहाँ पे छोटा है, जो नॉर्मल दूसरे टाइप के नए लेटेस्ट हैंडल्स आ रहे हैं ना उनमें तो ये प्रॉपर पूरा लग जाएगा, बट जिम्नी के अंदर मेरे को थोड़ी सी यहाँ पे ऊपर से कटिंग करनी पड़ेगी ताकि मैं यहाँ पे इसको पेस्ट ऑन कर सकूँ और एज इट इज़ यहाँ पे इसको लगा सकूँ, तो वो चीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ लगाते हैं, देखते हैं इसको लगाना कैसे है, और प्रॉपर मैं पहले इसको क्लीन करूँगा माइक्रोफाइबर और ग्लास क्लीनर से, उसके बाद इसे यहाँ पे पेस्ट ऑन करूँगा। इसके ऊपर एक सेफ्टी लेयर लगी हुई थी जो मैंने अभी हटाई है, उसके बाद ये निकल रहा है। अब मैं इसको यहाँ से ऊपर से इतना काटूंगा और उसके बाद उसको पेस्ट करूंगा वहाँ पे, ताकि एक इवन फिनिशिंग में ये पेस्ट हो जाए और टाइम के साथ मेरे को फिर ये हटाना ना पड़े और एज इट इज़ ये लगा रहे। तो फाइनली मैंने अच्छे से साफ़ करके यहाँ पे पेस्ट ऑन कर दिया, कटिंग करी है प्रॉपर इसकी मैंने, क्योंकि मुझे मेरा साइज़ प्रॉपर यहाँ पे मिला नहीं था मार्केट में इसके हिसाब से, तो मैंने जो न्यू स्टाइल के हैंडल्स आते हैं उनके हिसाब से प्रॉपर कट करके इन्हें लगा दिया।
चारों गेट पे मैंने लगा दिया, और जो ऊपर का जो मेरा थोड़ा बहुत कटिंग में बच गया था ना, वो दो पीस में मैंने यहाँ पे भी लगा दिया, क्योंकि भाई गेट तो यहाँ पे भी है ही और यहाँ पे भी स्क्रैचेस पड़ सकते हैं टाइम के साथ, तो यहाँ पे भी मैंने पेस्ट ऑन कर दिया ताकि अगर यहाँ पे भी कोई स्क्रैचेस पड़ने हो तो यहाँ पे भी ना पड़े। और एज इट इज़ यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो चारों दरवाजों पे मैंने अपने जो गेट्स हैं, डोर हैंडल्स हैं, उन्हें प्रॉपरली यहाँ पे प्रोटेक्ट कर लिया, ऊपर तक लगाए हैं कि किसी का भी अगर हाथ भी लगे तो कोई भी दिक्कत ना पे यहाँ पे बिल्कुल भी ना आए। और अगर मैं दिखाऊं भी आपको तो यहाँ पे ऐसे कुछ दो पीसेस बच गए हैं, दो मैंने पीछे वाले गेट पे लगा दिए, दो ये मेरे बच गए हैं, इनको मैं रख लूँगा संभाल के कि कल को ज़रूरत पड़ सकती है अगर कुछ उतर जाए पीछे वाले गेट से, क्योंकि मैंने ढंग से तो लगाया है नहीं वहाँ पे ना प्रॉपर, पाँच तो पीस में आता ही नहीं है, चार ही पीस में आता है। तो वो चीज़ थी, ये था मेरा सिंपल शॉर्ट वीडियो कि आप अपनी गाड़ी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये 250 रुपये इन्वेस्ट करना अपनी गाड़ी के पेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि अगर आप देखें कि 250 रुपये डाल के अगर आप अपने गाड़ी के पेंट को स्क्रैच लगने से बचा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है कि आप एक इनोवेटिव चीज़ कर रहे हैं, अपने आप DIY है, कोई भी बाहर से करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद घर में कर सकते हैं इस चीज़ को, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपको ऑफलाइन मार्केट में नहीं मिल रहा। मेरे को ऑनलाइन मार्केट में इतना बिलीव है नहीं, क्योंकि वो दिखाते कुछ हैं बेचते कुछ और है ज़्यादातर इस कार मार्केट के प्रोडक्ट्स में, तो वो चीज़ थी, मैंने इसलिए ऑफलाइन मार्केट में सर्च किया और मेरे को ये मिल भी गया 250 रुपये के अंदर अंदर, तो वो चीज़ थी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर से बताना, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ मिलता रहूँगा। टिल देन इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।